Hello everyone, today we are going to discuss section number 10 of the Transfer of Property Act 1882. Transfer of Property Act ka section 10, aaj hum iske baare mein baat karne ja rahe hain, jo ki baat karta hai Condition Restraining Alienation. इस सेक्शन में सबसे पहले जो हेड है उसमें तीन वर्ड दिए हुए हैं, दैट इज कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन. एलियनेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना, कोई भी चीज को ट्रांसफर करना वो एलियनेशन कहलाता है. रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रोकना, मैं किसी पर्सन को कोई कार्य करने के लिए रोक रहा हूँ, दैट इज रिस्ट्रेनिंग. और कंडीशन का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन लगाना, कोई ऐसे बात उस चीज के लिए इम्पोज करना, कोई ऐसी चीज इम्पोज करना कि आपको वो काम नहीं करना है, वो कंडीशन लगाइए वहां पे कि ये चीज या तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो जो सेक्शन 10 है वो बात कर रहा है कि ऐसी कंडीशन जो रेस्ट्रेन कर रही है एलियनेशन को. इसका मतलब है कंडीशन हम इम्पोज कर रहे हैं टू रेस्ट्रेनिंग द एलियनेशन. हम कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होने से उसके ट्रांसफर को रोकने के लिए हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं. इस सेक्शन में ये बात करी है. मैं आपको इस सेक्शन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ. इस सेक्शन में जो बात करी है वो बात करी है कि अगर आप कोई पर्सन को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं किसी पर्सन को, और आप एक कंडीशन लगा रहे हैं कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूँ लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी फर्दर किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं करनी, किसी भी थर्ड पर्सन को ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर नहीं करनी है, तो मैंने जो ये कंडीशन लगाई है ये कंडीशन वॉइड होगी. वो जो ट्रांसफर हुआ है वो वैलिड होगा लेकिन जो कंडीशन मैं इम्पोज कर रहा हूँ रिस्ट्रेन करने की एलियनेशन को कि आप ये फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को, तो वो वॉइड होगी. एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं. ये मैंने यहाँ एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है. ई सेल्स हिज प्रॉपर्टी, ये उसकी प्रॉपर्टी है. ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी है बी को. ई सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू बी विद अ कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू एनीबडी. उसने क्या कंडीशन लगाई है? ए ने ये कंडीशन लगा दी कि जो बी है जिसको वो प्रॉपर्टी दे रहा है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को. तो यहाँ पे जो ये कंडीशन लगी है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ये एक रिस्ट्रेन कर रही है एलिनेशन को. एलिनेशन का मतलब ट्रांसफर करना, और ये ट्रांसफर कर रही है एलिनेशन को, इसलिए ये ऐसी कंडीशन है जो ट्रांसफर कर रही है और ये कंडीशन वॉइड होती है. ये जो सेक्शन है इसका मेन एम यही है, इसने जो बात करी है वो यही करी है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाता है जो एलिनेशन को रिस्ट्रेन कर रही है तो वो वॉइड मानी जाएगी. अब हम बात करते हैं सेक्शन में. अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है. सेक्शन में बात करता है वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ सब्जेक्ट टू अ कंडीशन प्रॉपर्टी वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड except in case of a lease where the condition is for the benefit of lessor or those claiming under him provided that property may be transferred or for property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Muslim, Muhammadin or Buddhist so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein. इस सेक्शन में जो बात करी है वो एक एक लाइन हम पढ़ते हैं. Where a property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferring. Where property is transferred, जब हम कोई property transfer करते हैं और क्या है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, और एक कंडीशन लगा रहे हैं या लिमिटेशन लगा रहे हैं एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी. अब सबसे पहले जो चीज है वो है कि ट्रांसफरी कौन है. तो ट्रांसफरी वो पर्सन है जो प्रॉपर्टी ले रहा है. ट्रांसफरर वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी देता है, और ट्रांसफरी वो पर्सन है जो प्रॉपर्टी ले रहा है.
तो ये जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पे ए इज़ द ट्रांसफरर एंड बी इज़ द ट्रांसवरी, तो ये एक कंडीशन लगा रहा है कोई पर्सन, सपोज मान लीजिए ए ही कंडीशन लगा रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है किसके लिए, टू रिस्ट्रेन करता है कि वो फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करे। आगे हम पढ़ेंगे रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसवरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, या तो ट्रांसफरी को या फिर कोई ऐसा पर्सन जो क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, पार्ट के लिए, और डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसको आप रेस्ट्रेन कर रहे हो, तो वो यहाँ पे क्या होगा, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। ओवरऑल जो बात करी है इन तीन लाइनों में, ये बात करी है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वो ये ट्रांसफर करके कंडीशन इम्पोज कर रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ये एब्सोल्युटली आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, आप ये जो रिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, तो ये वॉइड होगा। लेकिन जो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, सपोज मान लीजिए अगर उस प्रॉपर्टी का सेल हुआ है तो वो सेल वैलिड होगा, वो सेल डीड वैलिड होगी, लेकिन सेल डीड में जो ये कंडीशन लिखी होगी वो वॉइड होगी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेजर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम, यहाँ पे जो बात करिए सिर्फ लेजर तक जो लाइन है। अब यहाँ पे एक बात बता रहा है, ये जो बात कर रहा है ये एक एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि आप अपनी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप एक एब्सोल्यूट कंडीशन, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप किसी फर्दर ट्रांसफर के लिए किसी पर्सन को मना नहीं कर सकते कि वो फर्दर ट्रांसफर नहीं करें, लेकिन आप पार्शियल रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं। पार्शियल रेस्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगाऊँ जो पार्शियल है। सपोज मान लीजिए ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, इसी एग्जांपल में देखिए, ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बी को, और एक कंडीशन लगा है कि बी कैन ट्रांसफर, और सपोज मान लीजिए वी कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू एनीबडी एक्सेप्ट सी, सी एक थर्ड पर्सन है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, बाकी किसी को भी कर सकता है, तो ये एक पार्शियल कंडीशन है। या फिर मैं बोलूँ ए सेल्स इज प्रॉपर्टी टू बी विथ अ कंडीशन दैट वी कैन नॉट ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये बात आती है कि सी को छोड़ के किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट सी, मतलब सी को छोड़ के वो किसी को नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी जो है ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बात आ गई है कि आप सिर्फ सी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है। और पार्शियल रिस्ट्रिक्शन में बात आएगी कि वहाँ पे उसके पास राइट है कि वो किसी ही पर्सन को भी कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड, अगर वो पार्शियल लोगों के लिए मना किया जा रहा है कि इन लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करनी है, तो वो पर्सन उस लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। ये जो सेक्शन लाया है इसके पीछे जो रीजनिंग है वो ये है कि अगर किसी पर्सन की, अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी एलियनेशन को अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो ये जो गवर्नमेंट की इनकम होती है बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि स्टाम्प्स खरीदते हैं तो स्टाम्प एक्ट जब लगता है तो स्टाम्प पर्टिकुलर स्टाम्प जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उससे स्टाम्प खरीदना होता है उस वैल्यू का, तो वो स्टाम्प नहीं खरीदा जाएगा। और फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कुछ रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो भी चार्ज होती है, कुछ परसेंट जो आपकी प्रॉपर्टी का होता है टोटल प्रॉपर्टी का, उस परसेंट से आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है वो चार्ज होता है, तो ये सब रुक जाएगा। तो ये ना रुकते हुए गवर्नमेंट का फंड आता रहे, इस कारण ये जो सेक्शन है ये बनाया गया है कि आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अब जो बात है इसमें एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन की बात ये है कि अगर कोई पर्सन लीज पे प्रॉपर्टी दे रहा है किसी को, क्योंकि जब हम लीज पे प्रॉपर्टी देते हैं तो हम प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र करते हैं उसमें। अगर ए यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को लीज करता है, ए लीज हिज प्रॉपर्टी टू बी विद अ कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू एनीबडी, तो यहाँ पे ये कंडीशन एकदम वैलिड होगी, क्योंकि लीज के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि लीज अगर आप किसी पर्सन को दे रहे हैं तो लीज आप किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और थर्ड पर्सन को। आप अगर ये लीज ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पे जो
एप है जो जिसने लीज दी थी, जो ट्रांसफरर था, उसकी कंसेंट लेना जरूरी होगा। अगर वो कंसेंट देता है तो आप उसकी कंसेंट से आगे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बिना एक ही कंसेंट से, जिस जो ट्रांसफरर है उसकी कंसेंट से ये प्रॉपर्टी आगे लीज़ पे नहीं दी जा सकती, अगर एक बार ये लीज़ पे दे दी गई है तो। अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार लीज़ पे दी गई है तो उसको दोबारा लीज़ पे नहीं दी जा सकती। दूसरी जो इसका एक्सेप्शन है वो है, और दोज क्लेमिंग अंडर हिम प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन नॉट बीइंग हिंदू, मोहम्मडन और बुद्धिस्ट। तो जो महिलाएं हिंदू, मोहम्मडन और बुद्धिस्ट हैं उनके लिए अगर ये कंडीशन लगाई जा रही है तो ये कंडीशन वैलिड है, लेकिन इनके अलावा कोई और धर्म की महिलाएं हैं तो उनके लिए कंडीशन वॉइड हो जाएगी। ये कंडीशन जो हिंदू है, मोहम्मडन है और बुद्धिस्ट है, इन महिलाओं के लिए इसलिए लगाई जाती है क्योंकि shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उनके फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो अपना गुजारा नहीं चला पाती है, उनके पति से डिवोर्स हो जाता है, तो वो अगर प्रॉपर्टी किसी ने उनके फेवर में ट्रांसफ़र करी है तो वो प्रॉपर्टी वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ये कंडीशन इसीलिए इम्पोज करी है कि वो अपना जो खान पीन है, अपना जो रहन सहन है और जो अपना खर्चा है उसको चला सके, उसको अपने एक्सपेंसेस को वो अपने एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपर्टी काम ले सके, इसलिए ये कंडीशन इन पे लगा रखी है। तो ओवरऑल जो है इस सेक्शन में बात करी है कि हम प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम वहाँ पे एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन पावर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम वहाँ पे पार्शियल रेस्ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो हम पार्शियल रेस्ट्रेनिंग लगाएंगे तो वो वैलिड होगा, और जब एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन होगा तो वो जो सेल हुई है, जो भी ट्रांसफ़र हुआ, वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा लेकिन वो कंडीशन वॉइड होगी। लेकिन इसके जो दो एक्सेप्शन हैं वो बात करते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी लीज में दी जाती है तो जो लेसर है उसके पास ये राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो लेसी है वो इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो एक कंडीशन आराम से इम्पोज कर सकता है, ये लॉ ने प्रोवाइड किया है। और दूसरा है कि अगर कोई महिला जो हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट है तो उसके बेनिफिट के लिए भी ये प्रॉपर्टी को हम कम्प्लीटली रिस्ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।